चैप्टर टू का केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल देयर मासेस इन एमयू विथ देयर यूनिट चार्ज। तो हमने आज का आंसर ये लिखा था कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमयू में निकालना है, मास ऑफ प्रोटॉन एमयू में निकालना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एमयू में निकालना है। हमें जो मास दिया हुआ होता है वो किलोग्राम में आमतौर पर दिया होता है, ये दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में होता है 9.10 हमें निकालना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एमयू, मास ऑफ प्रोटॉन एमयू, मास ऑफ न्यूट्रॉन एमयू। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होता है, हम आमतौर पर जब पता होता है किलोग्राम में पता होता है। मास ऑफ प्रोटॉन भी किलोग्राम में पता होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी किलोग्राम में पता होता है। एमयू निकालना, एमयू किलोग्राम, हमें किलोग्राम को एमयू में कन्वर्ट करना है। तो एमयू किलोग्राम का रिलेशन निकालना होगा, ये पता, 1 MU इतने किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। तो हमें किलोग्राम को एमयू में निकालना है, एमयू में, तो यानी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 MU, 1 AMU। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, इतने किलोग्राम 1 MU के बराबर, तो 1 किलोग्राम बराबर होगा 1/1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 AMU, ठीक है। ये हो गया 1 किलोग्राम इतने एमयू के बराबर है, तो इतने किलोग्राम मास ऑफ किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम इतने एमयू के बराबर है, तो 1 किलोग्राम इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 निकल कर आएगा AMU। अभी करवा लो, 9.11 को 1.6 से मल्टीप्लाई कराओ, 9.10 को डिवाइड कराओ 1.66 से, 9.11 को डिवाइड कराओ, 9.10 डिवाइड कराओ 1.66 से, तो क्या 5.49, तो 5.48 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, देखो माइनस 37, माइनस 27 ऊपर जाके प्लस 27 हो जाएगा, तो माइनस 37 और प्लस 27, तो ये आपका आ जाएगा 5.48 इंटू 10 की पावर 31 में से 27 माइनस 27 4 माइनस 4 31 में से 27 माइनस करो तो माइनस 4 आएगा ना, ये ठीक है। ये आपका आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में ये निकल रहा है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इसी तरह आपको निकालना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करोगे आगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बिल्कुल इसी पैटर्न में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में इतना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में इतना होता है। किलोग्राम में इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, एटॉमिक मास यूनिट में। समझ आ गई बात ये? तो मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना, ये समझ में आया किस तरह भाई? अभी मैं समझा देता हूँ, देखो अच्छा जी, ये देखो हमें उसने बोला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो AMU में, ये उसने मैं बोला था, जबकि हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको कहीं पर भी देखोगे ना, जो आपको दिया जाएगा वो हमेशा किलोग्राम में दिया जाएगा,
ठीक है, आपके बुक में नहीं दिया, वो गलती है, देना चाहिए था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा किलोग्राम में दिया जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा किलोग्राम में दिया जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा किलोग्राम में दिया जाता है। ये अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किसी भी चीज़ का मास किलोग्राम में लेते हो ना, मास किसी भी चीज़ का किलोग्राम में लेते हो ना, तो आपको ये दिया जाता है, आपको बताया जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने किलोग्राम होता है। लेकिन आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में नहीं निकालना बल्कि एमयू में निकालना है, तो सिर्फ किलोग्राम और एमयू का रिलेशन चाहिए। जिस तरह हम बोलते हैं ना किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, क्या किलोग्राम में ग्राम का रिलेशन लेते हैं, तो किलोग्राम और एमयू का रिलेशन चाहिए हमको, ये रिलेशन है। किलोग्राम और एमयू का रिलेशन क्या होता है, ये होता है, मैंने लिख दिया था, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, ये बुक में दिया हुआ, बुक में ये दिया हुआ आपको कि 1 MU इतने ग्राम के बराबर होता है और 1 MU इतने किलोग्राम के बराबर होता है। ये तो नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ था, मैंने सब किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले लिया, उतना हो गया। 1 MU इतने किलोग्राम के बराबर होता है, या यूँ कहो इतने किलोग्राम 1 MU के बराबर होता है, इतने किलोग्राम 1 MU के बराबर, इतने किलोग्राम 1 MU के बराबर है, तो 1 किलोग्राम कितने MU के बराबर होगा, 1 / ये पूरी चीज़, 1 को इस पूरी चीज़ को डिवाइड करा देंगे, 1 किलोग्राम AU में निकल कर आ जाएगा। जो हम कन्वर्जन बताया था ना पहले, मैं किस तरह कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम को AMU में कन्वर्जन सीख रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का मास AMU में निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास AMU में निकालना है, तो किलोग्राम और AMU का रिलेशन चाहिए हमको। तो किलोग्राम का AMU में रिलेशन हमें बताया कि इतने किलोग्राम 1 MU के बराबर है, तो 1 किलोग्राम कितने के बराबर है, 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1 / 1 डिवाइड बाई इतने AMU, तो 1 किलोग्राम इतने AMU के बराबर होता है, तो इतने किलोग्राम, ये रख मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने किलोग्राम, मास ऑफ इतने किलोग्राम, 1 किलोग्राम इतने AMU के बराबर है, तो इतना किलोग्राम इतने इस पूरी चीज़ को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, 9.10 को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 9.1 यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई 9.10 तो मल्टीप्लाई करा दो, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो 9.10 -31 डिवाइडेड बाय ये पूरी चीज़ हो जाएगी, तो 1 किलोग्राम इतने MU के बराबर है, तो इतने किलोग्राम हम इस किलोग्राम को यहाँ सब किलोग्राम तो इसका MU में कन्वर्ट करना, तो इतने किलोग्राम कितने MU के बराबर होगा, इतने किलोग्राम को मल्टीप्लाई करा देंगे इस पूरी चीज़ से। जब इस चीज़ को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई के साथ ये पूरी चीज़ लिख दोगे, ये पूरी चीज़ ये 1 से मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाएगी, नीचे MU की भी वैल्यू किलोग्राम है, 1 MU की वैल्यू भी किलोग्राम, 1 MU इतने किलोग्राम के बराबर है, 1 MU इतने ग्राम के बराबर है। हमें किलोग्राम ही तो यूज़ करना है, उसने क्वेश्चन में बोला MU में निकाल, MU निकालें, क्या MU में नहीं ना, उसने क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन का मास MU में निकालें, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में पता होता है, MU में तो पता ही नहीं होता, हमें MU में निकालना है, तो MU की वैल्यू तो ग्राम में दी, किलोग्राम और ग्राम दोनों में दी गए हैं, तो हमें पता ही चलेगा ग्राम में किलोग्राम से मल्टीप्लाई कराने हैं, ग्राम से मल्टीप्लाई, हमें ये देख रहा होगा ना कि किलोग्राम को MU में कन्वर्ट करना है या MU को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें किसको कन्वर्ट करना है, हमें MU में चाहिए ना, इसका मतलब किलोग्राम हमको दिया हुआ होगा, तो किलोग्राम में आपको दिया हुआ होगा मास, इतना मास दिया हुआ होगा, तो हमें उससे देखे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे किलोग्राम यूज होगा या ग्राम यूज होगा, नहीं क्वेश्चन देखना है कि आपको कन्वर्ट का, आप वो बोलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम, तो आपको किलोग्राम में आपको निकालना होगा, क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है, हां क्वेश्चन से पता चलेगा ना, क्वेश्चन में MU जो है उसकी ग्राम के बराबर भी और 1 MU उसकी किलोग्राम, 1 MU इतने ग्राम के बराबर होता है, ये 24 है और ये 27 फर्क है, ग्राम में बोलोगे तो 1 MU इतने ग्राम के बराबर होता है, तो किलोग्राम में बोलोगे तो 1 MU इतने किलोग्राम में बराबर होता है, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, या हमें -24 हो या -27 है, फर्क है दोनों में, तो MU का किलोग्राम में रिलेशन ये होता है, MU का ग्राम में रिलेशन ये होता है। हमें जो आपको जो एग्ज़ाम में दिया जाएगा, आपको पेपर में ये दिया जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने किलोग्राम के बराबर होता है, अगर किलोग्राम में दिया जाएगा तो क्वेश्चन पूछेगा MU में, हाँ बस 5 मिनट, किलोग्राम में दिया जाएगा तो आपको MU में कन्वर्ट करना होगा, और अगर उसने MU में दे दिया है तब किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आपको रिलेशन पता, ये रिलेशन पता होना चाहिए 1 MU, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये वाला रिलेशन ऊपर वाला ग्राम वाला रिलेशन है, बदलती नहीं, असल रिलेशन ये पता होना चाहिए आपको, तो 1 MU कितने किलोग्राम का बराबर होता है, तो हमें पता है 1 MU इतने किलोग्राम का बराबर होता है, ठीक है,
तो हमने क्या किया, तो हमने हमें हमें एम यू में तो निकालना था, एम यू में तो हमको दिया हुआ थोड़ी है, एम यू में तो निकालना है। तो हमने क्या किया, इस किलोग्राम को पहले एम यू में कन्वर्ट किया। हमने बोला इतने किलोग्राम 1 MU के बराबर है, 1 किलोग्राम कितने एम यू के बराबर है, जैसे तो हम निकालते हैं यही करते हैं ना, इतने किलोग्राम 1 MU के बराबर है, तो 1 किलोग्राम 1/ इतना एम यू के बराबर हो जाएगा। 1 किलोग्राम इतने एम यू के बराबर है, तो इतने किलोग्राम जो आपको दिया हुआ है इतना किलोग्राम, ये तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस पूरी चीज़ से, तो मल्टीप्लाई होगा, मान के मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 9.1 डिवाइड बाई ये पूरी चीज़। अभी वो सॉल्व कैसे किया, 9.10 को 1.6 से डिवाइड किया, 5.48 आया, -31 और -27, -27 ऊपर जाके +27 हो जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड कराया, 5.48 आया, 5.48 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। और -31 वहीं पर रहा, 27 माइनस में तो ऊपर जाकर +27 हो गया, -31 +27 -4 आ गया, ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने एम यू में निकल कर आ गया, ठीक है, ये एम यू में निकल कर आ गया। अब आपको इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन एम यू में निकालना, मास ऑफ न्यूट्रॉन एम यू में निकालना, ये दोनों आप खुद करेंगे, ठीक है।